chapter of his syllabus, cash flow statement, slip of meaning. Cash flow means flow of cash. Cash flow means flow of cash that is inflow and outflow. Cash flow statements is divided into three activities. Operating, investing, and financing. ऑपरेटिंग का मतलब होता है डे टू डे ऑपरेशन, रोज के काम। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो. फाइनेंसिंग का मतलब होता है इश्यूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन जेनरेटिंग बैंक लोन, एटसेट्रा. इन दोनों को बिजनेस से रिलेट करो कल की क्लास से. इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा था हमारा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग कौन सा था? फाइनेंसिंग डिसीजन, कहां से पैसा अरेंज करना है. ठीक है जी. ऑपरेटिंग का मतलब होता है हमारे रोज के खर्चे, रोज के काम. एग्जाम्पल करंट एसेट्स, एग्जाम्पल सैलरीज देना एम्प्लॉइज को, इंटरेस्ट पे करना, जो भी आपका रोज का काम है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है. क्लियर हो गया. अब कैश फ्लो बेसिकली दो होते हैं, एक इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है. इनफ्लो मीन्स पैसे का आना, आउटफ्लो मीन्स पैसे का जाना. ठीक है भाई. ओके, अब आपको बायफर्केट करना आना चाहिए, ये मेरी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है. ठीक है, मैंने शेयर्स इशू किए, मैंने क्या इशू किए? शेयर्स. तो उससे मेरे फंड्स आएंगे, दिस इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बट अगर मैं एक फाइनेंशियल कंपनी हूं, मेरा नाम, मेरा काम ही क्या है? शेयर्स इश्यू करना. तो अब मेरा रोज का काम हो गया वो. अब वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं रही, अब वो मेरी क्या बन गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर एक नॉर्मल कंपनी ने शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, जिसका काम फाइनेंस करना नहीं है, उनके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. लेकिन जिसका काम ही रोज शेयर्स इश्यू करना है, वो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? ऑपरेटिंग. मान लो मैंने एक घर खरीदा, तो मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं. That is my investing activity. कौन सी activity? But if I am a property dealer, मेरा रोज का काम क्या है? घर खरीदना, घर बेचना, प्लॉट्स खरीदना, प्लॉट्स बेचना. अब मैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मेरे लिए वो गुड्स बन गए एक तरह से. तो मेरा रोज का काम बन गया, वो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक, इट इज माई फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बट मान लो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा है, उसका तो रोज का काम है बैंक से लोन लेना, बैंक को लोन देना, दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक. क्लियर हो गया. एक शॉपकीपर है सपोज, वो बुक्स बेचता है, वो जो बुक्स बेच रहा है वो बुक्स उसके लिए गुड्स है, वो उसकी कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर वही बुक सेलर अपना कोई अपनी अपने घर में कोई फर्नीचर में या एसी लेके आ रहा है,
तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. लेकिन अगर मेरी शॉप फर्नीचर मार्केट में और रोज मैं नए बेड लेता हूँ, रोज नए सोफे आते हैं, वो मेरी कौन सी एक्टिविटी बन गई? तो सेम एक्टिविटी फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव कैन बी डिफरेंट फॉर अदर्स. वन कैन बी ऑपरेटिंग फॉर वन एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी फाइनेंसिंग फॉर द अनदर, और सेम टाइम इट कैन बी इन्वेस्टिंग फॉर द अनदर पर्सन. तो ऐसा नहीं है जो ऑपरेटिंग है वो ऑपरेटिंग ही रहेगा. उसके मद्देनजर से देखो आप कि उसके लिए वो रोज का काम है कि नहीं. अगर वो उसका रोज का काम है तो वो उसकी ना इन्वेस्टिंग हुई ना उसकी फाइनेंसिंग हुई, वो उसकी ऑपरेटिंग हुई. क्लियर हो गया? लिख लो मीनिंग्स अपनी लैंग्वेज में. ऑपरेटिंग का मतलब लिख लो, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लिखो नोटबुक्स पे. फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Investing activities. पहले फॉर्मेट देखो इसका. फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इसमें सबसे पहले आप लिखोगे पर्टिकुलर्स and this side amount. Inflow of cash plus hoga, outflow of cash minus hoga. Jo answer aayega agar wo positive aaya to aap likhoge net cash flow from investing activities. और अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो फ्रॉम की जगह वर्ड लिखना है यूज्ड इन. क्या लिखना है? यूज्ड इन. अगर मान लो आंसर माइनस 3 लाख आया तो फ्रॉम नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है? और अगर पॉजिटिव आ रहा तो फ्रॉम. जल्दी से फॉर्मेट नोट डाउन. हरी आप लिखो जी क्वेश्चन नंबर 1. Calculate cash flow from investing activities. Calculate cash flow from investing activities. तीन कॉलम बना लो. फर्स्ट कॉलम का नाम सॉमिल. समझ आ रहा है? फर्स्ट कॉलम का नाम आइटम्स. सेकेंड कॉलम का नाम 2021 मार्च. 2021 मार्च. थर्ड कॉलम का नाम 2022 मार्च. 2022 मार्च. अब आइटम्स में लिखो. सबसे पहले मशीनरी, फिर लिखो फर्नीचर, फिर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग्स, फिर लिखो गुडविल, फिर लिखो पेटेंट्स, फिर लिखो कॉपीराइट्स, फिर लिखो ट्रेडमार्क्स, फिर लिखो इन्वेंटरीज, फिर लिखो बिल्स रिसीवेबल, फिर लिखो कैश. अब मशीनरी के आगे लिखो 2 लाख से हो गई 1 लाख. मतलब 2021 में कितना लिखना है? 2 लाख. और 22 में? 1 लाख. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या बोला मैंने? 50,000 से हो गया 75,000. नेक्स्ट 24 लाख से हो गई 60 लाख. 24 से 60 लाख. नेक्स्ट क्या है? 5 लाख से हो गई 6 लाख. नेक्स्ट 50,000 से हो गए nil. नेक्स्ट 20,000 से हो गए 10,000. नेक्स्ट ट्रेडमार्क 40,000 से हो गए 65,000. नेक्स्ट इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज का लिखो 10,000 12,000. नेक्स्ट बिल रिसीवेबल
40,000, 33,000. Next. Cash. 30,000, 20,000. लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. अब फॉर्मेट बना लो जो मैंने बनाया था, जल्दी लिखना मत उसके अंदर कुछ, सिर्फ फॉर्मेट लाइन बना क्या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो भाई अक्षित खड़े हो जाओ। सबसे पहली आइटम आपको क्या गिवन है? मशीनरी। पहले कितनी थी? 2 लाख। अब कितनी है? 1 लाख। तो तू बता, ये बेच दी होगी या और ले ली? सर बेच ली है। बेच दी, तभी वैल्यू क्या हो गई उसकी? कम। मशीनरी पहले कितने की थी बोलो? 2 लाख। अब कितने की रह गई? 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 सेल ऑफ मशीनरी। अभी लिखना नहीं है, पहले पार्टिसिपेट करो सब बच्चे। सेल ऑफ मशीनरी विद द अमाउंट ऑफ 1 लाख। ओके, अब अक्षित मुझे बताइए प्लस करेंगे या माइनस? माइनस। शाबाश। जब हम मशीनरी बेचेंगे कैश आएगा या जाएगा? अक्षित के केस में उल्टा है, वो मशीन के साथ कैश भी देगा। ठीक है भाई, तो इसलिए दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश, तो इनफ्लो को क्या करते हैं हम? प्लस। ओके, नंबर 2 अक्षित पढ़ो क्या है। फर्नीचर। कितना था पहले? 50,000। कौन बोल कौन रहा है मेरी क्लास में? बी बॉय कितना था फर्नीचर? 50,000। अब कितना है? 75,000। बताइए खरीदा होएगा या बेचा होएगा? खरीदा। खरीदा होएगा। तो पैसे गए हैं क्या आए हैं? गए। परचेज ऑफ फर्नीचर कितना माइनस करूं अक्षय? 25,000। उसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, सारे प्लस वाले ऊपर लिख लो, सारे माइनस वाले नीचे, या मिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अक्षय, थर्ड आइटम लैंड एंड बिल्डिंग। पहले कितनी थी? 2,40,000। अच्छा, 24 लाख। अब कितनी है? 60 लाख। खरीदी है कि बेच दी? सर खरीदी है। तो पैसे जाएंगे कि आएंगे? जाएंगे। क्या हो जाएगा फिर? माइनस। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना अमाउंट माइनस करूं अक्षय? सर 36 लाख आएगा। पक्का ही है? Yes. चलो जी, नेक्स्ट आइटम पढ़ो अक्षय। गुडविल। गुडविल कितनी थी पहले? 5 लाख। पहले बता, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है तो वो आएगी इसमें? नहीं आएगी। पक्का? नॉन करंट एसेट्स का हेड क्या था बैलेंस शीट में? शुरू कहां से होती है एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर? बोलिए जरा एसेट्स शुरू करियो। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स एसेट्स नहीं है? तो आएगा ये कैश फ्लो में। बता गुडविल कितनी थी पहले? गुडविल 5 लाख की थी। गुडविल 5 लाख की थी, कितनी होगी भाई? मतलब हमने गुडविल खरीदी है किसी की, किसी का बिजनेस हमने खरीदा है, तभी गुडविल हमारी क्या होगी? इंक्रीज हो गई। तो जब हमने गुडविल खरीदी होगी, पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से? परचेज ऑफ गुडविल कितना अमाउंट माइनस करें? चलो जी अक्षित, नेक्स्ट आइटम पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं सर? सर एक तरह का मतलब हमने जो फॉर्मूला बनाया होता है। ठीक है, अब बता पहले कितने थे? सर 50,000। अब कितने होंगे? लो तो मतलब बेचती है या खरीद लिए? बेचती है। बेचती है। जब हमारे पास पेटेंट्स पहले थे लेकिन अब नहीं रहे, दैट मींस हमने उनको क्या कर दिया? तो सेल ऑफ पेटेंट्स क्या हो जाएगा? ये माइनस के प्लस, क्योंकि पैसा हमारे पास अब आएगा। नेक्स्ट आइटम पढ़ो। कॉपीराइट्स। कितने कॉपीराइट्स? सर 20,000 के थे, अब 10,000 के हो गए। 20,000 के थे, 10,000 के हो गए। तो ये बेचे हैं कि खरीदे हैं? बेचे हैं। तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। सेल ऑफ कॉपीराइट्स 10,000 प्लस करें सर? हाँ जी।
चलो जी नेक्स्ट आइटम पढ़ो. ट्रेडमार्क्स. ट्रेडमार्क्स कितने थे पहले? 45,000. कितने थे? अब कितने हैं? परचेज हुए हैं कि बेच दिए? अक्षय जी तो पैसा जाएगा क्या आएगा? सब जाएगा. परचेज ऑफ ट्रेडमार्क्स कितना माइनस करें? 25,000. चलो जी नेक्स्ट आइटम. इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज कौन सी एसेट है? करंट. हम इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स में कभी? नो. हम सिर्फ कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं? नॉन करंट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. मतलब नॉन करंट एसेट्स जो होती हैं वो टेंजिबल भी होती हैं और इनटेंजिबल. तो जो करंट एसेट होगी उसको इग्नोर. इसके सामने लिख लेना क्वेश्चन में ही, इग्नोर. चलो जी नेक्स्ट आइटम पढ़ो. आशु 2 मिनट बस. हाँ जी, ये कौन सी एसेट होती है? तो इसको भी क्या कर देंगे? इग्नोर. नेक्स्ट आइटम पढ़ो. कैश. कैश कौन सी एसेट होती है? करंट होती है. तो इसको भी क्या कर देना? इग्नोर. दैट मींस हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है? खत्म. अब तुम इसको प्लस माइनस करोगे. अगर आंसर नेगेटिव आएगा, मुझे पता नेगेटिव आएगा, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो आंसर में लाइन क्या लिखनी थी? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इजी. फिर कर लो कंप्लीट फटाफट से और आंसर निकालो जल्दी से. वेरी गुड. नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूरा लिखो और फिर लिखो 35,90,000. सबको डू वन मोर क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. पहला कॉलम आइटम्स. सॉमित समझ आए वाला कुछ? सेकेंड कॉलम इज 2022. थर्ड कॉलम इज 2021. उल्टा बोला मैंने इस बारी. 2022 पहले है, 2021 बाद में. तो उल्टा चेक करना इस बार. आप लोग आदत पड़ी होती है सीधा देखने की, तो क्वेश्चन पेपर में पूरा उल्टा हो जाता है. जो परचेज होता है वो हम क्या मान लेते हैं? सेल. नंबर वन लैंड एंड बिल्डिंग्स. नंबर टू मशीनरी. नंबर थ्री फर्नीचर. नंबर फोर ट्रेड रिसीवेबल्स. नंबर फाइव गुडविल. अमाउंट्स लिखो. पहले 2021 में लिखना, फिर 22 में. लैंड एंड बिल्डिंग लिखो 24 लाख और फिर लिखो 23,50,000. 2021 में कितनी है? 24 लाख और उसके बाद 23 लाख. मशीनरी में लिखो 3 लाख इन 2021 एंड 4 लाख इन 2022. फर्नीचर 50,000 से हो गया 85,000. 21 में 50,000 था. ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 10,000. गुडविल 40,000 से लिख लो 35,000. 2021 में 40 थी और अब 35 है. देयर इज स्टार्ट क्वेश्चन. चलो अक्षित स्टैंड अप. अक्षित फर्स्ट आइटम रीड आउट. लैंड एंड बिल्डिंग. पहले कितनी थी? पहले 24 लाख. अब कितनी है? 23 लाख. तो बेची है या खरीदी है? बेची है. 50,000 की कड़ी लैंड एंड बिल्डिंग बिकती है? वैल्यू कम हुई है. हाँ तो फिर डेप्रिसिएशन. ये भी ध्यान रखना है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 में मिलेगी आज के रेट पे. तो दिस इज नॉट सेल, दिस इज नॉट परचेज, दिस इज नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो. लिख लो इग्नोर.
बिकॉज 50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बिकती. क्वेश्चन में लिख लो डार्लिंग. सॉरी मिलिंद. ये नेक्स्ट अक्षय जी. मशीनरी पहले कितनी थी? 3 लाख, अब 4 लाख. तो परचेज हुई है या खरीद बेची है? परचेज हुई है. तो क्या करें, माइनस की प्लस? माइनस. कोई बात नहीं. परचेज ऑफ मशीनरी. जब परचेज करेंगे तो पैसे हम देंगे, पैसा जा रहा है, तो इट इज आउटफ्लो. क्या हो जाएगा वो? माइनस. नंबर टू. चलो जी अगली आइटम पढ़ो. फर्नीचर. फर्नीचर पहले कितने का था? 50,000. अब कितना है? 85,000. तू साल ठीक देख रहा है ना? जी सर. पहले 21 का बोलना है, फिर 22 का बोलना है. सर 21 और 22. ठीक है. फिर परचेज किया कि सेल? सर परचेज किया. तो क्या करें? माइनस. पक्का? अभी भी तो कंफ्यूज्ड है. माइनस करेंगे. नेक्स्ट आइटम पढ़ो. ट्रेड रिसीवेबल्स. हाँ जी. कितने थे पहले? 20,000. अब कितने हैं? 10,000. क्या करें सर? 10,000 से मतलब बेच दिए ना. ट्रेड रिसीवेबल कौन सी एसेट होती है? करंट. ये नहीं है, इग्नोर. लिख लो इग्नोर. वही तो लिखा है नान. मेरी बैग चश्मा डाल के भी नहीं दिखा. अक्षित नेक्स्ट आइटम पढ़ो. सर गुडविल. हाँ जी गुडविल. पहले 40,000 की सर, अब 35,000 की. बिक गई? 5,000 से बिक गई. गुडविल कभी भी आधी नहीं बिकती. गुडविल अगर बिकेगी तो सारी बिकेगी. ऑलवेज रिमेम्बर. तो ये है एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, मतलब जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन. क्या हो जाएगी? नो. क्वेश्चन खत्म हो गया. बैठ जाइए. नहीं लिखते एमोटाइजेशन को भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखते. द आंसर इज 1,35,000 नेगेटिव विद द लाइन नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. किस किस के स्कूल में चैप्टर हो चुका है? खड़े हो ना.